गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कि हम पैसिव के बारे में कुछ जानकारी ले रहे थे, तो आज हम इसी पैसिव को आगे बढ़ाएंगे। और पैसिव के बारे में पिछली बार जो हमने लास्ट वीडियोज में देखा था वो हमने पढ़ा था प्रेजेंट और पास्ट का पैसिव कैसे बनाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के पैसिवेज के बारे में और साथ में ही हम पढ़ेंगे मोडल्स का पैसिवेज कैसे बनाया जाता है। तो आज इस वक्त हम जो स्टार्ट करेंगे वो है अपना फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस। तो हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस। फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, आज हम पढ़ रहे हैं वो है फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो हम देखेंगे इसमें कि सबसे पहले फ्यूचर टेंस आ जाने पर हमें पहचान कैसे करनी होगी कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस है। यदि हमने पहचान कर ली तो उसको ट्रांसलेट कैसे करना पड़ेगा, किस प्रकार से हम उसको बदलें, तो आओ हम देखते हैं। हमारे पास में पहला टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यदि अपने पास में सेंटेंस में हो तो हम उसको पहचान कैसे करें। तो अपना जो सेंटेंस होगा उसमें हमें लगा हुआ मिलेगा विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हमारे पास में सेंटेंस में इनमें से दिया गया हो तो हम उसको चेंज कर देंगे विल या सेल प्लस बी, विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार देख लीजिएगा कि जिस प्रकार से हमारे पास में सेंटेंस में क्या मिल रहा है, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम चेंज करेंगे विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अर्थात हम फ्यूचर इंडेफिनेट को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे। आओ हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बनाया जाए। आपको लास्ट वीडियोज में मैंने कुछ रूल्स के बारे में बताया था जो मेन रूल्स थे, जैसे कि एग्जाम्पल को बदलने के लिए हमने रूल्स में सबसे मेन जो रूल्स था वो हमने यूज लिया था रूल नंबर 8। और जिस रूल में हमने ये देखा था कि कौन से पद के नीचे कौन सा पद आता है, यानी अपने ही पद के नीचे अपना ही पद यूज करना है, तो वही अपन इसमें भी यूज करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले एफिर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं और पर्सन दिया ही विल अटेंड, ही विल अटेंड माई मैरिज सेरेमनी। जो सेंटेंस दिया इस सेंटेंस में है ही विल अटेंड माई मैरिज सेरेमनी। आप सेंटेंस में सबसे पहले अंडरलाइन पॉइंट को समझ लेंगे, अपने पास में ये ही है, ये अपने पास में सब्जेक्ट का स्थान ले रखा है, विल अटेंड अपने को फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी दे रहा है, ही अपने पास में सब्जेक्ट का रूप ले रखा है, विल अटेंड जो अपने पास में है ये ले रखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का, तो इसको मैं वर्ब का रूप दर्शा देता हूँ। फिर इसमें दे रखा है माई मेरी सेरेमनी, संपूर्ण एक साथ है क्योंकि इसमें क्या जुड़ रहा है पोसेशन जुड़ा हुआ है, और जहाँ पर पोसेशन जुड़ जाता है वहाँ पर क्या होता है सब चीज़ों को मिश्रण करते हैं, तो ये संपूर्ण एक साथ है, तो इसके अंदर अपन मैं इसको कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट। तो अपने पास में ऐसा सेंटेंस आने पर कैसे दे सकता है एग्जामिनर अपने को, इसी सेंटेंस के यहाँ पर भी अपने को दे सकता है बाई
हिम। अब आप देख सकते हैं कि अनेक बार सेंटेंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनके अंत में भी बाई हिम लगा है, तो ये सेंटेंस है जिसके अंत में बाई हिम कहाँ से आया, इसके बारे में आपको जानकारी सेंटेंस को चेंज करते वक्त अच्छी तरह समझ में आएगा। ही अपने पास में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ गया यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, तो अपने पास में आएगा माई मैरिज, माई मैरिज सेरेमनी, माई मैरिज सेरेमनी, माई मैरिज सेरेमनी। यहां पर माई मैरिज जो सेरेमनी है, ये माई मैरिज सेरेमनी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, जो यहां पर आके क्या बन गया सब्जेक्ट। अब अपने पास में है विल अटेंड, तो विल को अपन किस में चेंज करेंगे, विल या सेल को, विल या सेल में ही चेंज करेंगे, प्लस विल लगाएंगे। तो यहां पर यदि आई और वी होता तो हम यूज करते सेल का, लेकिन अपने पास आई और बी नहीं है तो अपन यूज करेंगे विल का, तो हमने यहां पर क्या यूज विल प्लस बी का, तो विल बी हो गया। अटेंड की थर्ड फॉर्म होगी अटेंडेड। अब आप देख रहे हैं कि अटेंडेड के बाद में अपने पास में माई मेरी सेरेमनी, ये किस स्थान पर चला गया था, ही के स्थान पर, तो ही को इधर लाइट क्या हो गया बाई हिम, जो हमारे पास में पहले से लगा हुआ था, और ये सेंटेंस कंप्लीट। एक बार मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, ही के स्थान पर अपने पास में क्या आया माई मेरी सेरेमनी संपूर्ण, ये अपने पास में ही के स्थान पर, जो यहां पर आके सब्जेक्ट बन गया। फिर अपने पास में विल अटेंड की जगह हो गया विल बी अटेंडेड, रीजन विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन चेंज कर दिए विल बी अटेंडेड, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पैसिव बना इसका। प्लस अपने पास में बाई हिम कहां से आया, बाई हिम आया ही के स्थान पर, हमने यूज किया है बाई हिम, जो यहां पर ऑब्जेक्ट बना है। यदि अपन इसी का सेकेंड एग्जाम्पल यूज करके देखें तो सेंटेंस अपने पास में आई सेल, आई सेल प्रोवाइड यू दिस बुक, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो हैं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितने हैं दो, ये अपने पास में सब्जेक्ट है, आई अपने पास में क्या है सब्जेक्ट, सेल प्रोवाइड अपने पास में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो इसको मैं वर्ब को ही के रूप में दर्शा रहा हूं, यू अपने पास में ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, दिस बुक अपने पास में ऑब्जेक्ट सेकंड है। अब आप देखेंगे सेंटेंस में ऐसा यदि क्वेश्चन दिया गया हो और आपको पूछ रहा हो, तो आपको जस्ट नीचे एक ऑब्जेक्ट दिया होगा जो पहले से हो, जरूरी नहीं है दिया गया हो, अपने मन से भी अपन बना सकते हैं। तो हमारे पास में माना कि अपने पास में इसके स्थान पर अपने को यहां पर दिया गया हो दिस बुक, तो अपन कैसे बनाएंगे। अब देखो आई के जस्ट नीचे अपने पास में क्या आया दिस बुक, आई के साथ सेल लग रहा था, दिस बुक के साथ क्या लगेगा, हाँ बताइए, आपने टेंस भी पढ़ा था पहले, टेंस के अंदर भी आपको जानकारी दी थी कि आई के साथ में अपन और बी के साथ में अपन क्या यूज करते हैं, शाबाश, सेल का यूज करते हैं। तो अपन यहां पर दिस बुक के साथ में किसका यूज करेंगे बताओ, शाबाश, इसमें भी अपन करेंगे यूज विल का, क्यों, क्योंकि यहां पर, हाँ क्योंकि यहां पर अपने पास में आई और बी नहीं है, तो यहां पर अपन यूज किसका करेंगे विल का, तो यहां पर हो गया विल, और इसके साथ में अपन लगा देंगे बी और प्रोवाइड की जगह प्रोवाइडेड, ये क्या हो गया दिस बुक ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सेल प्रोवाइड की जगह हो गया विल बी प्रोवाइडेड, क्यों कि आई के नीचे दिस बुक जो है अपने पास में आई और वी नहीं होने की वजह से हमने यहां पर विल बी का यूज किया। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई, थर्ड फॉर्म। अब अपने पास में आ गया यू, सेकेंड ऑब्जेक्ट है भाई, फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो सेकेंड ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या बन गया, तो ये हो गया अपने पास में ऑब्जेक्ट एक, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बच गया अपने पास में यू, तो अपन इसको जोड़ेंगे तो क्या लगाएंगे टू यू, फिर लगाएंगे बाई और इसको ऑब्जेक्ट उधर बनाएंगे सेकेंड के रूप में, तो यहां पर हो जाएगा मी, और अपना आंसर क्लियर, ये अपना आंसर हुआ सेकेंड। यदि यही सेंटेंस अपने पास में नेगेटिव के रूप में आ जाए तो कैसे होगा, एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे विल हेल्प दिस लैम
दिस ओल्ड मैन टुमारो। अब जो सेंटेंस ही आपको एफिर्मेटिव दिख रहा होगा क्योंकि सेंटेंस के बीच में कोई भी नोट का यूज नहीं किया गया। अब नेगेटिव बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, केवल इसमें नोट जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर अपन क्या जोड़ देते हैं, इसमें विल नॉट हेल्प। अब अपने पास में सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब एक बार इस सेंटेंस को अपन क्लियर करते हैं कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये चीजें हमारे को जाननी आवश्यक है। तो अपने पास में यहां पर जो दे है ये अपने पास में क्या है, सब्जेक्ट विल नॉट हेल्प। ये अपने पास में क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब नॉट नेगेटिव को दर्शाएगा। तो ये अपने पास में है वर्ब और ये नेगेटिव को दर्शा रहा है नॉट। दिस ओल्ड मैन अपने पास में क्या है, ऑब्जेक्ट, और टुमारो अपने पास में क्या है, एडवर्ब। अब अपन देख सकते हैं सेंटेंस को यूज करना है कि कहां पर कौन सा वर्ड यूज होगा। अब आप देखो ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं तो यहां पर हो जाएगा दिस ओल्ड मैन। दिस ओल्ड मैन किसके स्थान पर आया, दे के स्थान पर। अब अपने पास में आएगा विल नॉट अटेंड या विल नॉट हेल्प, तो विल नॉट हेल्प आया तो अपने पास में दे क्या था, आई और विल नहीं था तो विल लग रहा था। तो यहां पर भी अपने को यूज किसका करना होगा, विल का। क्यों बताओ, क्योंकि हमारे पास, हाँ बोलो शाबाश, क्योंकि हमारे पास में आई और वी नहीं है। ऐसे ध्यान रखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो यहां पर अपने आएगा विल का, विल नॉट का नॉट। और जहां पर डबल हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, जैसे विल के साथ में बी जुड़ गया, हेजेव के साथ में बीन जुड़ गया, हेड के साथ में बीन जुड़ गया, वहां पर हमने क्या किया था, जहां पर नोट लगा रहे थे तो बीन जो है उसको वर्ब के साथ जोड़ेंगे। तो यहां पर भी बी कहां चला जाएगा, वर्ब के साथ, नोट बीच में आएगा, ध्यान रखना। तो बी फिर आ जाएगा हेल्प्ड। तो क्या बना अपने पास, दिस ओल्ड मैन विल नॉट बी हेल्प्ड। तो यहां पर विल तो विल है, नोट की जगह नोट है, हेल्प की जगह हेल्पड हो गया। यहां पर बी बीच में जुड़ गया क्योंकि पेशी बनाते समय बी का यूज अपने को करना होता है। फिर आ गया अपने पास में वापस दिस ओल्ड मैन। दिस ओल्ड मैन कहां गया, दे के नीचे। तो देखो दिस ओल्ड मैन के स्थान पर ले जाते थे क्या हो जाएगा, बाई देम, और लास्ट में बच रहा है टुमारो, तो वो टुमारो ऐसे कैसे उतरे जाएगा और अपना जो पेशी वो सब हो गया क्लियर। यह हुआ नेगेटिव सेंटेंस का पेशिव। तो नेगेटिव सेंटेंस का यदि हम पेशिव बनाते हैं तो वहां पर अपने को नोट का ध्यान रखना होता है, जो नोट हमारे को कहाँ यूज करना है, विल या सेल के बाद, और जो बी आ रहा है उसके बाद में उसको नोट के बाद में ही यूज करना है, उसको पहले विल के साथ और सेल के साथ नहीं लगाएंगे। अब अपन देखते हैं इसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा देखेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न दे दिया अपने पास में, विल यू कट दिस ट्री नेक्स्ट मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अब अपने पास में जो पॉइंट दिया गया वो है विल यू कट दिस ट्री नेक्स्ट मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। तो अपन देखेंगे ये अपने पास में क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये अपने पास में क्या है, सब्जेक्ट। कट अपने पास में क्या है, वर्ब। दिस ट्री अपने पास में क्या है, दिस ट्री अपने पास में क्या है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग अपने पास में क्या है, एडवर्ब। तो अपन इस ऑब्जेक्ट को कहां लगाएं, यू के नीचे। ऑब्जेक्ट को कहां लगाएं, यू के नीचे। यू के नीचे यदि अपन लगाते थे यहां पर हो गया दिस ट्री, यहां पर हो गया दिस ट्री। अब आप देख सकते हो दिस ट्री यदि यहां पर है तो यहां पर विल का यूज करें या सेल का, भाई यहां पर यू के स्थान पर यहां पर यू था इसलिए यहां पर विल लगाए थे। यहां पर दिस ट्री है तो यहां पर क्या लगाएं, शाबाश, यहां पर विल लगेगा। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, विल। तो ये अपना हो गया विल, विल दिस ट्री। अब यहां पर कट आ गया, तो मैंने अभी कहा था कि जहां पर डबल हेल्पिंग वर्ब होती है उसको अपन दूसरी साइड में क्रिया के साथ जोड़ देते हैं। तो यहां पर पहले लगाएंगे बी और फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट। फिर अपन आ गए कट तक, फिर आप अपने पास में क्या है, दिस ट्री।
दिस ट्री क्या है? दिस ट्री क्या है अपने पास में? ऑब्जेक्ट। क्या है अपने पास? ऑब्जेक्ट। तो ये तो चला गया सब्जेक्ट बनने के लिए। इसके स्थान पर क्या आएगा? यू। तो यहां पर आ गया बाई यू। फिर अपने पास बच रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उसको ऐसे कैसे उतार देंगे? नेक्स्ट मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन है मार्क लग जाएगा, अपना क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक बार मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं। विल के नीचे विल ही क्यों आया? क्योंकि अपने पास में दिस ट्री क्या था? आई और वी नहीं था, इसलिए हमने विल का यूज कर लिया। अभी दिस ट्री किसके स्थान नीचे आया? यू के नीचे, क्योंकि ये यू सब्जेक्ट था। तो यहां पर सब्जेक्ट हमने किसको बना दिया? दिस ट्री को। अब दिस ट्री यहां है, ये इधर आ गया, यू उधर चला जाएगा। अब यहां पर आ गया कट, तो कट को जोड़ने से पहले अपने को हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी और जोड़ना पड़ेगा। बी कट क्यों? क्योंकि अपने पास में विल और सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल तो हमने यहां लगा लिया, बी नहीं लगाया था, तो बी हमेशा कहां लगेगा? फिर क्रिया के साथ। फिर आ गया अपने पास में दिस ट्री। दिस ट्री कहां था? यू के नीचे, तो अपन यू को दिस ट्री के नीचे ले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी जगह, क्वेश्चन मार्क अपनी जगह, आंसर क्लियर हुआ। ये अपना सेंटेंस कौन सा क्लियर हुआ? फ्यूचर इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव। अब हम इसी सेंटेंस का देख लेते हैं, डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि हम इस सेंटेंस का डब्ल्यू एच देखें, तो अपने पास पॉइंट है डब्ल्यू एच का, वाई विल सी बाई दिस ओल्ड कार। सेंटेंस है वाई विल सी बाई दिस ओल्ड कार। अपने पास में जो सेंटेंस है ये डब्ल्यू एच है, क्योंकि इसमें डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया गया है। तो आपको पता है डब्ल्यू एच वर्ड के नीचे हमेशा पैसिव बनाते, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड का ही यूज किया जाता है। यहां तक तो हमारा सामान्य सेंटेंस जो आपने लास्ट सेंटेंसों में पढ़ा था, लास्ट टेंसों में पढ़ा था। अब अपने पास में आ गया विल, तो अपन यहां पर विल का यूज करें या सेल का, इस बात का पूर्ण रूप से हमें पता नहीं है फिलहाल, इसलिए हम पहले चेंज करेंगे वो पॉइंट अपने पास में है। क्या है अपने पास पॉइंट? सी। तो सी किसके स्थान पर जाएगा? दिस ओल्ड कार के। तो दिस ओल्ड कार यहां पर आएगा, तो ये आई और वी नहीं है, इसलिए अपन लगा देंगे विल, और यहां पर लगा देंगे दिस ओल्ड कार। क्या लगा देंगे? दिस ओल्ड कार। फिर अपने पास में क्या आएगा? क्रिया की थर्ड फॉर्म, लेकिन क्रिया के साथ में अपने को क्या जोड़ना होगा? बी। क्रिया के साथ में क्या जोड़ना होगा? बी। तो यहां पर हो गया बी, और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म बोट, बी ओ यू जी एस टी। अब अपने पास सेंटेंस में बच रहा है दिस ओल्ड कार, ये किसके नीचे आया था? सी के नीचे, तो सी को उधर ले जाएंगे, तो जाएगा बाई हर, बाई हर, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, और ये अपना सेंटेंस क्लियर हुआ। एक डब्ल्यू एच स्कोर देखना चाहते हो, एक और क्लियर करके देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन है हाउ विल, हाउ विल मोहित सॉल्व दिस पजल क्वेश्चन मार्क। अब अपन इसको सेंटेंस को क्लियर करें, तो सेंटेंस को क्लियर कैसे करेंगे देख सकते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड के नीचे अपन क्या लगा देंगे? डब्ल्यू एच वर्ड। मोहित को चेंज करेंगे, पहले मोहित है सब्जेक्ट, तो ये चला जाएगा दिस पजल के नीचे, दिस पजल इसके नीचे आ जाएगा। तो यहां पर दिस पजल क्या है? आई और वी नहीं है, तो यहां पर क्या लगेगा? विल। क्या लगेगा? विल। फिर अपन यहां मोहित के नीचे लगाएंगे दिस पजल। क्या लगाएंगे? दिस पजल हो गया। फिर अपने पास में क्या दिख रहा है? सोल्व, तो सोल्व को यहां पर थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसके पहले अपने को क्या यूज करना पड़ेगा इसके साथ? बी। तो यहां पर जाएगा बी सोल्वड। फिर अपने पास क्या बचा? मोहित, मोहित को उधर ले गए, तो क्या हो गया? बाई मोहित। और लास्ट में क्वेश्चन है मार्क। ये था अपना सेंटेंस कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनेट सेंटेंस का पैसिव ऐसे बनाया जाता है जैसे कि हमने इसको बनाकर दिखाया। यदि इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस का क्लियर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं, कौन से वर्ड के नीचे कौन सा वर्ड यूज करना, तो हमारा सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब अपन इसी सेंटेंस के बाद में नेक्स्ट जो पैसिव है वो अपन यूज करेंगे इसी फ्यूचर टेंस का।
वो अपने पास में है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस का क्यों नहीं बनता, उसका क्यों नहीं यूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यदि अपन पैसिव बनाते हैं तो उसमें बी पहले से ही आता है। और आपको एक फॉर्मूला, एक रूल लिखाया गया था, क्या था रूल, कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्यों, क्योंकि उस बी और बीन का पैसिव नहीं बनता, एक नियम लिखाया था, उस नियम को एक बार पढ़ लेना। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपने पास में क्या है, विल बी, शैल बी, तो बी पहले से आ रहा है इसलिए अपन उसका पैसिव नहीं बना सकते। तो अपन इसमें यूज कौन सा करेंगे अब फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस का यदि अपने पास में आता है कंटिन्यूस का तो उसका नहीं बनेगा, तो अपन नेक्स्ट का बनाएंगे। नेक्स्ट अपने पास में है फ्यूचर परफेक्ट, कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यदि अपने पास सेंटेंस में आ रहा है तो अपन कैसे पहचान करें कि फ्यूचर परफेक्ट ही है, तो इसका एक फॉर्मूला अपन याद कर लेंगे। क्या लिखा हुआ मिलेगा अपने को, विल या सेल, विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या मिलेगा अपने को, विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अपने को पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा। यदि अपने को ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है तो अपन इसको चेंज किस में करेंगे, तो चेंज करना किस में, पैसिव बनाते समय वो देख सकते हैं, विल या सेल, विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देख सकते हैं इसमें हमने केवल एक चीज जोड़ा है और वो जोड़ने वाली जो मात्र जो वर्ड है वह है अपने पास में केवल बीन, बाकी सेम का सेम है, इसलिए अपन पैसिव बनाते समय इस सेंटेंस में क्या जोड़ देंगे, बीन, जो हमारे पैसिव बने जाएगा। देखते हैं सबसे पहले एफिर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है दे will have, they will have rejected, they will have rejected my application. अब जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये सेंटेंस अपने पास में है फ्यूचर परफेक्ट का, इसकी जानकारी हमें मिल रही है विल हैव से, विल हैव रिजेक्टेड से हमें जानकारी मिल रही है कि अपना जो सेंटेंस वह कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। अपन इसको चेंज किस में करने वाले हैं, पैसिव में, किस में चेंज करने वाले हैं, पैसिव में। अब आप इतने टेंस को पढ़ लिए, पैसिव में चेंज करना सीख गए, तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये अपने पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो अपने पास में सब्जेक्ट बच गया दे और ऑब्जेक्ट बच गया माई एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन उसके नीचे जाएगा, दे इसके नीचे आएगा, तो अपन इसको सबसे पहले कर्ता का रूप देंगे। यहां पर आ गया तो अपने पास में क्या हो जाएगा, माई एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन, ये माई एप्लीकेशन जो वर्ड है वो क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब अपने पास में दे के नीचे क्या आ गया, माई एप्लीकेशन, तो माई एप्लीकेशन आई और बी है क्या, नहीं है ना, इसलिए अपन किसका यूज करेंगे, शाबाश, विल का, तो यहां पर अपन यूज कर देंगे विल, और विल के साथ में क्या लगाएंगे, हैव, जो अपने पास पहले से है, लेकिन पैसिव बनाते समय विल या हैव तो अपने पास में होगा, सेल हैव, लेकिन इसके साथ अपने एक चीज और जोड़ेंगे वो है बीन, तो यहां पर अपने को क्या जोड़ना होगा, बीन, बी डबल ए एन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड। तो ये विल हैव बीन रिजेक्टेड। अब अपने पास में क्या बच गया, माई एप्लीकेशन, इसके नीचे क्या आना चाहिए, क्योंकि माई एप्लीकेशन यहाँ आ गया तो दे उधर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा बाई देम। ये अपने पास में सेंटेंस हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, एफिर्मेटिव सेंटेंस, एफिर्मेटिव सेंटेंस का हमने पूर्ण किया। अब हम इसी का सेंटेंस का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वो है अपने पास में कौन सा, निगेटिव सेंटेंस है, वी सेल हैव नॉट, वी सेल हैव नॉट कंप्लीटेड
आवर वी सेल हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। अब सेंटेंस अपने पास में कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान नोट से हो रही है। किससे हो रही है? अपने पास में नोट से। अब देखो अपने पास में यहां पर क्या है? वी, और ये क्या है? दिस वर्क। तो अपने पास में ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क। दिस वर्क को अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर आएगा। तो हमने लगा दिया दिस वर्क। अब जो दिस वर्क शब्द अपने पास में आया है वर्ड, ये क्या है? आई और वी नहीं है। तो सेल के जस्ट नीचे अपने को लगाना क्या पड़ेगा? विल। हैव का हैव, नॉट के नीचे नॉट। वर्ब को जोड़ने से पहले अपने को क्या लगाना पड़ेगा? बीन और कंप्लीटेड। बीन और कंप्लीटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस वर्क वी के नीचे, सेल के नीचे विल, हैव के नीचे हैव, नॉट के नीचे हैव, कंप्लीटेड के नीचे बीन कंप्लीटेड। रीजन वो देखिए आप उधर, यहां पर लिखा हुआ है सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने बीन का यूज यहां पर किया। अब अपने पास में क्या बच गया? दिस वर्क। ये किसके नीचे गया? वी के। तो वी किसके नीचे चला जाएगा? दिस वर्क के। तो यहां पर जाएगा बाई अस, और सेंटेंस क्लियर। ये अपना कौन सा सेंटेंस बना? नेगेटिव। ये कौन सा बना था? एफिर्मेटिव। अब अपन इसी के एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सीख सकते हैं, और वो है अपने पास में क्वेश्चन मार्क वाला, जिसे अपन इंट्रोगेटिव बोलते हैं। सेंटेंस अपने पास में विल ही, विल ही हैव लाइक्ड माय स्टेटस, और क्वेश्चन है मार्क। अब अपने पास में जो सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस में अपने पास में पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में सब्जेक्ट है, और ये माई स्टेटस अपने पास में क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ही के नीचे क्या लगेगा? ही के नीचे लगेगा माई स्टेटस। तो माई स्टेटस क्या है? आई और वी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? विल। फिर लगेगा माई स्टेटस। अब देखिए हैव के नीचे अपन को क्या लगाना है? हैव। फिर क्या लगाना है? बीन। फिर क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म? लाइक्ड। अब अपने पास वापस क्या आ गया? माई स्टेटस। माई स्टेटस कहाँ गया? ही के नीचे। तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाई हिम। क्या हो जाएगा? बाई हिम, और अंत में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन है मार्क। एक बार आप देख सकते हैं विल के नीचे विल, यहाँ पर ही था इसलिए विल आया था, यहाँ पर माई स्टेटस आई और वी नहीं है तो यहाँ पर विल आ गया। हैव के नीचे हैव, लाइक्ड के साथ में बीन लाइक्ड हो गया। माई स्टेटस जो है इसके जस्ट नीचे अपने ने क्या लगा दिया? ही। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्या हैं? क्रॉस हैं, और दोनों क्रॉस होने की वजह से एक दूसरे के स्थान पर चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है डब्ल्यू एच सेंटेंस। तो क्वेश्चन अपने पास में वाट विल यू आस्कड मी, वाट विल यू आस्क, एक मिनट, वाट विल यू हैव आस्कड मी, आस्कड मी क्वेश्चन मार्क। अब आपने जो सेंटेंस देखा, इस सेंटेंस में अपने पास में क्या है? वोट का वोट। ये वोट क्या है अपने पास में? डब्ल्यू एच वर्ड, और आपने पहले भी सेंटेंसों में पढ़ा था डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा अपने ही स्थान पर रहता है। तो ये आ गया डब्ल्यू एच सेंटेंस। विल के नीचे अपन क्या लगाएं? वही कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन था इसलिए मी ऑब्जेक्ट है, तो इधर लगाएंगे तो क्या बनेगा? आई, और मी यहाँ पर आई बन गया, तो आई के साथ में अपन लगा देंगे सेल। क्या लगा देंगे? सेल। तो वॉट सेल? आई। हैव के नीचे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अपने को क्या यूज करना होगा? बीन, और ये आ जाएगा आस्कड। अब अपने पास में क्या आ गया? मी, जो इधर आके आई बन गया, लेकिन हम इस मी के नीचे अब क्या लगाएं? तो यू, जिस
यू के नीचे क्या बना आई, तो यू इसके नीचे जाके कर्म बन जाएगा, तो यहां पर आएगा बाई यू और अंत में क्वेश्चन है मार्क। एक बार सेंटेंस को समझ सकते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड के नीचे क्या यूज किया हमने, डब्ल्यू एच वर्ड, विल के नीचे हमने सेल यूज किया क्योंकि हमारे पास में मी था, यहां पर आने के बाद क्या बन गया आई, और आई के साथ में हमें क्या यूज करना होगा सेल। फिर अपने पास में यू के नीचे आई आ गया, हैव के नीचे हैव है, और ये आस्कड इसके नीचे हमने आस्कड लगाया, लेकिन इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया बीन, क्योंकि हम इसका क्या बना रहे हैं पैसिव। अब आ गया अपने पास मी, मी अपने पास कर्म है जो यहाँ पर आगे सब्जेक्ट बन गया, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, तो ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर बन गया भाई यू, और ये सेंटेंस अपना क्लियर हुआ। ये जो सेंटेंस हमने क्लियर किए हैं, आज हम पूर्ण रूप से टेंसों का पैसिव वॉइस पूर्ण कर चुके हैं, और ये है हमारा प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का पैसिव वॉइस जो आपने दो या तीन वीडियोज में कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो अपने पास में है फ्यूचर इंडेफिनेट सेंटेंस का पैसिव वॉइस, और ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे मोडल्स का, अब हम किसका पढ़ेंगे, मोडल्स का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। देख सकते हैं आप, अब हम पढ़ रहे हैं मोडल्स का पैसिव वॉइस, तो यह है मोडल्स का पैसिव वॉइस। तो मोडल्स का पैसिव वॉइस जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले एक इंडेक्स पढ़नी पड़ेगी, जिस सारणी में हमें ये पता होगा कि कौन से मॉडल को कौन से मॉडल में किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो वो एक रूल्स है, देख सकते हैं आप। ये होगा एक्टिव वॉइस और ये होगा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ये आएंगे और इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में यहाँ पर, जैसे कि अपने पास में आ गया कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मे प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, माइट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो अपने पास में दे रखा हो तो अपना सेंटेंस किस प्रकार से बदला जाएगा आप चेक कर सकते हैं। ये अपने पास में एक्टिव में है, अपन इनको किस में चेंज करेंगे पैसिव में, किस में चेंज करेंगे पैसिव में, और पैसिव में बदलते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा जो हमारे को लगाने पड़ेंगे। क्या है, जैसे कि कैन आ रहा है तो अपने को कैन के साथ में जोड़ना पड़ेगा कैन में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कैन के साथ हमने क्या जोड़ा बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे के साथ मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड बी प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप देख सकते हैं कि ये वाले एक्टिव वॉइस में हैं तो हम पैसिव बनाते समय इस सारणी का यूज करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस को यूज किया जाता है। तो हम एग्जांपल एक एक दो दो सभी के ले लेते हैं ताकि हमारे को समझ में भी आए और हम क्लियर कर सके सेंटेंस को। ये है एग्जांपल्स यहां से। पहला सेंटेंस है आई विल विन दिस रेस श्योर। अब आप देखेंगे कि अपने पास में सेंटेंस है तो इसमें आई विल विन दिस रेस श्योर। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़े से कि यहाँ पर आई के साथ में विल का प्रयोग क्यों किया गया। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि मोडल्स में हमेशा विपरीत कार्य होता है। जैसे मोडल्स पढ़ते समय सेल और विल का यूज करते हैं तो आई और वी के साथ में विल लगता है और अन्य के साथ में सेल का यूज होता है। लेकिन टेंस में क्या था, आई और वी के साथ में सेल का यूज होगा, अन्य के साथ में किसका यूज कर रहे थे अपन, विल का। तो वापस समझें, आई और वी का यूज मोडल्स में हमेशा किसके साथ होगा, विल के साथ। तो ये अपने पास में क्या है, सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट है। तो यहां पर अपने पास में ऑब्जेक्ट क्या है, दिस रेस। क्या है अपने पास, दिस रेस। तो आई के नीचे क्या आएगा, दिस रेस। क्या गया, दिस रेस। विल के नीचे विल, साथ में क्या जोड़ेंगे, बी, विन की थर्ड फॉर्म है वॉन। अब आ गया दिस रेस। दिस रेस किसके नीचे के गया था, आई के नीचे। तो आई किसके नीचे आ गया, दिस रेस के। तो यहां पर क्या हो गया, बाई मी, श्योर का श्योर और सेंटेंस फुल स्टॉप। आप देख सकते हैं आई के नीचे क्या है अपने पास में, दिस रेस। विल के नीचे विल बी, विन के नीचे थर्ड फॉर्म वॉन, दिस रेस के नीचे बाई मी और श्योर के नीचे श्योर, अपना सेंटेंस क्या हुआ, क्लियर। ये था अपना फ्यू मॉडल्स का पैसिव वॉइस जो हमने पहला पॉइंट क्लियर किया। एग्जाम्पल सेकेंड, ही कैन नॉट अटेंड, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस हेवी स्टोन। इस सेंटेंस में अनकेपेबिलिटी बताई गई है। अब ध्यान दे सकते हैं आप, यहां पर ही अपने पास में क्या है, सब्जेक्ट, और कैन नॉट अपने पास में हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव भाव को दर्शा रहा है, लिफ्ट यानी उठाना ये वर्ब है, किसको उठा रहा है, दिस हेवी स्टोन को। ये अपने पास में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा, सब्जेक्ट ही के नीचे। तो हमने यहां पर यूज कर दिया दिस हेवी स्टोन, दिस हेवी स्टोन। कैन के नीचे कैन, नोट के नीचे नोट। अब अपने पास में कैन नोट तो आ गया, लेकिन हमने अभी तक इसके साथ बी नहीं लगाया, तो बी लगाएंगे क्रिया के साथ। तो यहां पर लगेगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, ही के नीचे दिस हेवी स्टोन, कैन के नीचे कैन, नोट के नीचे नोट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने से पहले अपन किसका यूज करेंगे, बी का। फिर अपने पास में दिस हेवी स्टोन वापस आया, जिसके नीचे लग गया था ही के नीचे, अब ही वहां पर चला जाएगा तो हो जाएगा बाई हिम। तो सेंटेंस क्लियर। ये अपना कौन सा सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। अब अपन देख लेते हैं थर्ड वाला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अपने पास में मैं यू हेल्प मी, मे आई हेल्प यू नाउ, क्वेश्चन मार्क।
अब अपने पास में जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लग रहा है? मे। तो हम चेंज कर सकते हैं इसको। अब देखेंगे मे के नीचे अपने पास में क्या आएगा? मे, क्योंकि ये मोडल्स है और मोडल्स को दूसरे में चेंज नहीं किया जाता। जैसे मे है तो इसको मे में ही चेंज करेंगे। तो ध्यान रखिए मे के नीचे क्या गया? मे। आई है, आई के नीचे क्या आएगा? यू। तो यहाँ पर आ गया यू। यहाँ पर अपन क्रिया के साथ में क्या जोड़ेंगे? बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, बी हेल्प्ड। अब अपने पास में आ गया यू। यू किसके नीचे गया? आई के नीचे। तो यू के नीचे अपन ले लेंगे बाई मी। और यहाँ पर आ गया नाउ। ये हो गया अपना सेंटेंस क्लियर। मे के नीचे मे, आई के नीचे यू, हेल्प के नीचे बी हेल्प्ड, यू के नीचे बाई मी और नाउ के नीचे नाउ, और सेंटेंस हुआ क्लियर। ये अपना कौन सा पॉइंट था? WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं अपन WH सेंटेंस। सेंटेंस है व्हाट कुड यू आस्क हिम दैट डे। सेंटेंस अपने पास में है तो अपन मॉडल वाले को मॉडल वाले के आधार पर ही चेंज कर लेते हैं। व्हाट के नीचे व्हाट, कुड के नीचे कुड, यू के नीचे हिम है तो हिम को इधर लाएंगे क्या होगा? हे। यहां पर जोड़ेंगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्कड। अब हिम के नीचे क्या लगाया हमने? हिम किसके नीचे गया? यू के नीचे, तो यू को इधर लाए तो हुआ बाई यू। और यहां पर डेट डे, और अपना सेंटेंस क्लियर। तो आप देख सकते हैं यदि इनमें से मॉडल्स में से कोई सा भी मॉडल्स यदि अपने पास में दिया गया हो और यदि हम उस मॉडल्स का पैसिव वॉइस बना रहे हों तो इस प्रकार इस सारणी का यूज करते हुए अपन इस मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। यह है अपना मॉडल्स का पैसिव वॉइस जिसको हमने क्लियर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। थैंक यू।